अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम राना शराफत नर्सरी सियालकोट आज पहुंच चुके हैं और हमने इधर से बाय करने हैं कुछ पौधे, सीड्स वगैरह, और आप इस नर्सरी को भी इंजॉय कीजिए। आज का दिन हम इधर हैं तो इस ब्लॉग को भी इंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं कि नर्सरी फार्म में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने तरह तरह की चीज़ें ख़रीदनी हैं। ये है जी एलोवेरा, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कई चीज़ों पे। इसकी क्रीम भी बनती है, इसे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये सारी फैक्स पड़ी हुई है और अंदर अगर हम जाएं तो सामने बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। हर तरह के पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी ख़ूबसूरत नर्सरी। और ये आप देखें, मनी प्लांट, बड़ी खूबसूरत पौधा है जो आप इंडोर भी रख सकते हैं घर पर। हर किस्म के प्लांट्स इधर मौजूद हैं जिन्हें आप घर पर यूजेज के लिए रख सकते हैं। और आप देखें कि कितना बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। इस शेड के नीचे जो भी पौधे होते हैं उसे बचाने के लिए इस शेड के नीचे रखा जाता है, ताकि इन पौधों को ज़्यादा धूप ना लगे और ये ना जलें और इनका एक जो टम्परेचर है वो कायम रहे। तो आज हम सियालकोट में ये नर्सरी को एंजॉय करने आए हैं। इधर से हमने कुछ सीड्स वगैरह लेने हैं भाईजान से। तो नर्सरी का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ अगर आप देखें तो एरो केरिया भी पड़ा है, अमरूद आपके सामने हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं इधर अमरूदों के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब हम मौजूद हैं नर्सरी दो पे, जो ये भी सियालकोट का वाक़ है। और इसकी जो सेटिंग है वो उस नर्सरी से भी खूबसूरत किस्म की होती है। आप देख सकते हैं पॉट्स यहाँ कितनी तरतीब से पड़े हैं, हर किस्म के, हर साइज़ के, जिसे आप खरीद कर अपना पौधा खरीद कर इसमें लगा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये सारा नर्सरी का सेटअप है। बेहतरीन तरीके से सारा सेटअप बनाया गया है। हम इस दूसरी नर्सरी को भी एंजॉय कर रहे हैं और आप भी हिम्मत में कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये पौधे लगाए जाते हैं और इनकी देखभाल की जाती है, ताकि आने वाले कस्टमर्स के लिए ये हरे भरे रह सकें और आगे लग सकें। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।